नमस्कार। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो आज तक रहस्य बने हुए हैं, या यूँ कहें कि उनके इतिहास को लेकर कभी जागरूक करने का प्रयास ही नहीं किया गया। एक ऐसा ही मंदिर है जिला कांगड़ा के अंतर्गत पड़ती ज्वाली। इस मंदिर को विधानसभा में भातु की लड़ी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिव मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा उनके अज्ञातवास के वही दौरान किया गया था। शिव मंदिर के साथ अन्य मंदिरों की श्रृंखला भी है। भातु की लड़ी मंदिर भारत देश का सबसे प्राचीन अद्भुत चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर की सुंदरता देखने लायक है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भातु की लड़ी का यह मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और यह मंदिर 8 महीने तक पानी में डूबा रहता है। भातु की लड़ी मंदिर भारत देश के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में गुलेरिया साम्राज्य के समय में कराया गया था। जब गुलेरिया साम्राज्य के समय में भातु की लड़ी मंदिर का निर्माण कराया गया था, तब काफी भक्तगण इस मंदिर के दर्शन के लिए जाने लगे थे। परंतु 1970 में जब पोंग बांध का निर्माण यहाँ पर कराया गया, तब ये मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया था। इस मंदिर के दर्शन के लिए भक्तगण काफ़ी मात्रा में जाते हैं और भातु की लड़ी मंदिर के दर्शन करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और आनंद प्राप्त करते हैं। मंदिर के निर्माण को लेकर एक कथा भी कही जाती है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर के बारे में ये बताया जाता है कि इस मंदिर के निर्माण की शिला महाभारत काल में रखी गई थी। इस मंदिर के निर्माण के लिए पांडवों ने शिला रखी थी। यहाँ से पांडवों के द्वारा स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का विचार किया गया था। पांडवों के द्वारा स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाना था, परंतु उनके पास उचित समय नहीं था। पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण से मदद मांगी गई और श्री कृष्ण ने 6 महीने की एक रात कर दी थी, परंतु उस समय में भी पांडवों के द्वारा स्वर्ग तक सीढ़ी नहीं बनाई जा सकी थी। इसीलिए इस मंदिर के निर्माण में पांडवों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदू धर्म के लोगों के इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। 1970 में जब यह मंदिर पोंग बांध बनने के कारण जलमग्न हो गया था, तब लोगों का ध्यान इस मंदिर से हट गया था। परंतु फिर पुनः इस मंदिर के निर्माण के लिए कार्य किए गए और प्रशासन के द्वारा यहां पर भक्तों के आने की व्यवस्था की गई थी। भातु की लड़ी मंदिर को दर्शनों के लिए भक्तगण मई जून महीने में आते हैं, क्योंकि मई जून महीने में मंदिर पानी से बाहर आ जाता है। पानी का जल स्तर कम हो जाने के बाद सभी भक्तगण इस मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करके अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के नामकरण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की जो इमारतें बनी हैं भात पत्थर की बनी हुई हैं। जब ये मंदिर पानी में जलमग्न हो जाता है, तब इस मंदिर को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई माला में मोतियां पिरो दिए गए हों। इसीलिए इस मंदिर का नाम भातु की लड़ी रखा गया था। भातु की लड़ी मंदिर में 6 मंदिर हैं, जिसमें 5 छोटे मंदिर हैं। इन 6 मंदिरों में शीशनाग विष्णु भगवान की प्रतिमा मौजूद है। इस भातु की लड़ी मंदिर में जो मुख्य मंदिर है, उस मंदिर में भगवान शिवलिंग है, जिस शिवलिंग को देखने के बाद आनंद प्राप्त होता है। मंदिर में पवित्र शिवलिंग होने के साथ साथ भगवान गणेश और देवी काली की प्रतिमा भी स्थित है। जब भक्तगण मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब वह अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, तब सूर्य की किरणें भातु की लड़ी मंदिर में स्थित शिवलिंग के चरण स्पर्श करती है। भारत देश का यह चमत्कारी अद्भुत मंदिर की सुंदरता को देखने के लिए भारत देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं और इस मंदिर के दर्शन करके अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं।
भारत देश का हिमाचल प्रदेश एक बर्फीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है। हिमाचल प्रदेश बर्फीला और पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भातों की लड़ी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जिस मंदिर के दर्शनों के लिए काफ़ी पर्यटक आते हैं और मंदिर के दर्शन करके अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।